सोलन डिग्री कॉलेज में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता दो दिनों तक चलेगी। प्रतियोगिता में 23 टीमें भाग ले रही हैं। इस टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स डायरेक्टर सुरेंद्र शर्मा ने किया। खेल से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। खेलों के माध्यम से युवा तनाव से मुक्त रहता है, साथ ही खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर खेल जगत में अपना भविष्य भी बना सकता है। इसी उद्देश्य से सोलन डिग्री कॉलेज में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कुल 23 टीमें भाग ले रही है, जिनमें 13 लड़कों की टीमें और 10 लड़कियों की टीमें भाग ले रही है। एचपीयू के स्पोर्ट्स डायरेक्टर सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि जितना महत्व युवाओं की जिंदगी में पढ़ाई का होता है, उतना ही खेलकूद का भी रहता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से युवाओं का रुझान खेल के प्रति और बढ़ता है। स्पोर्ट्स के लिए हमारा ये मेन मोटिव रहता है कि जो हमारे को जितनी बच्चों की पढ़ाई की जरूरत है, उतनी ही स्पोर्ट्स की भी जरूरत है। अगर यूनिवर्सिटी की या बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी है, तो उसके लिए खेलों में भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का अगर नाम हमारा एकेडमिक्स में होता है, तो खेलों में उससे भी ज़्यादा नाम होता है। और इसी प्रकार से कुछ खेलों में हमारी जो यूनिवर्सिटी है, इस टाइम पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना नाम कमा चुकी है, जिसमें कबड्डी, हैंडबॉल और हमारे कुछ बच्चे उसमें से अभी एशियन गेम्स में भी पार्टिसिपेट करके आए हैं। इस बारे में डिग्री कॉलेज सोलन की प्रधानाचार्य डॉक्टर नीलम कौशिक ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताएं छात्रों का उत्साह वर्धन करती है। उन्होंने कहा कि इससे छात्र छात्राओं का मनोरंजन होता है, जो कि पढ़ाई के साथ साथ उनके लिए बेहद आवश्यक है। 3rd और 4th अक्टूबर को यहाँ पे टेबल टेनिस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें 13 लड़कों की और 10 लड़कियों की टीमें भाग ले रही हैं और वो सभी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। अच्छा, जो यहाँ से सिलेक्ट होके जाएंगे वो फिर इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। सिटी चैनल के लिए सोलन से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।